दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या। कोरोना की लड़ाई के लिए जवाली विधायक अर्जुन ठाकुर ने सोमवार को अस्पतालों व प्रशासन को जरूरी सामान उपलब्ध करवाया। विधायक अर्जुन ठाकुर ने प्रशासन को 6 थर्मल स्कैनर, 80 पीपीई किट, 80 लीटर सैनिटाइजर, 6 इलेक्ट्रिक पंप मुहैया करवाए। वहीं उन्होंने 5000 फेस मास्क और 40 शील्ड जवाली एसडीएम सलीम आजम, डीएसपी ओंकार ठाकुर व एसएमओ डॉक्टर संजीव कुमार के माध्यम से सौंपे। इस दौरान विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी की लड़ाई में लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना वॉरियर्स वायरस को जड़ से मिटाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें रुकावट लाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। हमारे प्रदेश की सरकार भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी भी दिन रात मेहनत करके इसको रोकने में हिमाचल प्रदेश तो सफल ही रहा है। इसके लिए इस कड़ी में जो मैंने थोड़ा सा सामान बांटा नहीं, मैंने अधिकारियों को दिया है जो सरकार का आदेश है। मैं अपने ज्वाली के समस्त अधिकारियों का, पैरामेडिकल डॉक्टर्स का, पुलिस का, प्रशासन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की अधिकार करके, तो इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारी विधानसभा में छुटपुट कोई घटना हुई है, वरना प्रशासन की सतर्कता से बहुत इस बीमारी पर रोकथाम क्या हमारे तो हुई नहीं, ना होने के बराबर ही है। तो मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के उन परिवारों को जिनके बच्चे, जिनके परिवारों के सदस्य बाहर से आए हैं, वो कृपया करके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रार्थना को दरकिनार न करते हुए निवेदन मेरी भी ये रहेगी कि वो जैसे प्रशासन ने उनको आदेश दिया है कि आपको 28 दिन किया है होम क्वारंटाइन में रहें और डिस्टेंस बनाकर। और हमें ये भी कहना चाहूँगा कि परिवार से अलग रहें, वो केवल हमारे लिए नहीं है, वो उन्हीं के परिवार के लिए है। कुछ लोग आ गए हैं, हमने भी मेहनत की है, सब विधायकों ने, प्रशासन ने भी प्रार्थना की थी कि बाहर से जो लोग जहाँ हैं, जहाँ से जो बाहर हैं उनको लाया जाए। तो इसका जिससे प्रशासन को मजबूरी में कोई एक्शन करना पड़े, तो मैं एक बार फिर आप सब पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने भी बहुत सहयोग किया है। ये सजगता का काम है, सतर्कता का काम है। भारत में समय रहते सतर्कता बरती तो आज हम बहुत सीमित संख्या में हैं, वरना आपके सामने विश्व का जाना माना देश जो एक नंबर का देश है अमेरिका, उसमें क्या स्थिति है जो आपके सामने है। तो इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी और मैं अपने अधिकारियों को अपनी तरफ से विश्वास देता हूँ कि आपको जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपकी हर मदद के लिए तैयार हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए जवाली से संजीव राणा और सुनील दत्त की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत ज्वाली, वर्तमान पार्षद नगर पंचायत ज्वाली। मैं सभी ज्वाली वासियों से, सभी कांगड़ा वासियों से, हिमाचल वासियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि ये जो महामारी कोरोना नाम की फैली हुई है, इससे अपने आप को बचा के रखिए, अपने बच्चों को बचा के रखिए। बचाने का एक ही तरीका है कि आप सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। आपने बड़ा जरूरी कोई काम है घर से बाहर जाना, आप बोल तो घर से बाहर जाइए मत। अगर बहुत जरूरी काम है, कोई मेडिसिन लेके आनी है, कोई दवाई या कोई करियाने का सामान लेके आना है, तो आप लोग मास्क का प्रबंध करें, मास्क जरूर बांधे, मास्क बांध के बाहर जाना है, अपितु घर से बाहर नहीं जाना है। मेरा सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय भारत। वार्ड नंबर 8 नगर पंचायत ज्वाली। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस जो हर जगह फैला हुआ है और हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है, इससे हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले है सोशल डिस्टेंसिंग।
हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, घर पे रहना है, सेफ रहना है, बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। और जो अनदर कंट्री से सॉरी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना नाम नगर पंचायत ज्वाली में या इसकी सूचना अपने वार्ड मेंबर ये प्रशासन को दें, ताकि वो इसका अच्छे से रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन कर सके। और 28 डेज आप लोगों ने घरों के अंदर रहना है, बिना किसी मतलब के घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर इस दौरान आप में से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या FIR लॉन्च की जा सकती है। अब मैं लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि घर पे रहिए, अपने मुंह को मास्क लगा के घर से बाहर निकलना है, अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए सोप से जो है वो धोते रहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डीएवी पब्लिक स्कूल नगरोटा सूर्या जिले के अग्रणी स्कूलों में से एक है। यह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों में भी आगे है। विद्यालय के हर वर्ष के परिणाम सराहनीय है और खेल क्षेत्र में भी राष्ट्र विजेता है। विद्यालय की अपनी 8 बसें हैं। स्कूल के सभी शिक्षक मेहनती, निपुण एवं अनुभवी हैं। प्रधानाचार्य श्रीमती एकता अत्री भी विद्यार्थियों का मानसिक, भौतिक एवं शारीरिक विकास करने के लिए अग्रसर है। डीएवी नगरोटा सूर्या एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जो कि विद्यार्थियों के लिए मानसिक और शारीरिक योग्यताएं भरने के लिए तत्पर है। स्कूल के सभी अध्यापक लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों के ऊपर वो बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक सभी अध्यापकगण अपनी सेवाएं दे रहे हैं।